एल्विश की गिरफ्तारी के बाद अब एल्विश के परिवार की ओर से पहली बार जो है बयान सामने आया है। एल्विश के मम्मी पापा ने एक इंटरव्यू दिया है जहां पर उसकी मम्मी ने कहा कि हमने दो दिन से कुछ नहीं खाया, हमारे पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया है। पापा का कहना है कि मुझे एल्विश की जो मैंने परवरिश की है उस पर गर्व है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एल्विश ने ऐसा कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर जन्म में एल्विश का पापा बनना चाहूंगा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। तो ये सारी बातें जो है मम्मी पापा ने कही हैं। यहाँ पर देखिए उनकी मम्मी थोड़ी इमोशनल भी हो गई। उनका ये कहना है कि हमारा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता है और हमारे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो एल्विश यादव रविवार को पूछताछ के लिए उन्हें ले जाया गया, उसके बाद जो है उसकी गिरफ्तारी की खबर आई। फिलहाल वकीलों की हड़ताल की वजह से जमानत पर किसी तरीके का कुछ भी जो है अपडेट नहीं आया, लेकिन अब पहली बार जो है मम्मी पापा एक न्यूज ऑफिस में पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि हम मीडिया से कहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है चीजें कहिए। ऐसा हो गया है, मम्मी ने कहा कि हमारा बेटा फेमस हो गया तो कोई भी राह चलता आएगा, कुछ भी बोलेगा, मेरे बेटे को कुछ भी कहेगा, तो ये तो चीजें जो है वो मेरे बेटे के साथ गलत हो रही हैं। तो अब ये बात जो है कही है एल्विश की मम्मी ने और उनको ये लगता है कि उनके बेटे के फेमस होने के बाद जो चीजें हो रही हैं जानबूझकर उस पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं जो चीजें उसने की भी नहीं है।